नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप और आपके गार्डन। आशा करते हैं सभी कुशल मंगल से होंगे। स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल एग्जोटिक प्लांट्स एंड केयर में। दोस्तों, आप ये जो प्लांट देख रहे हैं, इसने अपने पॉट को किस तरीके से तोड़ दिया है, ये आप देखिए। कुछ ये धूप की वजह से गल गया है, कुछ इसने अपनी ताकत लगाकर इसको फैलाना शुरू कर दिया है, क्योंकि दोस्तों बरसात आ गई है और बरसात के अंदर प्लांट अपने आप को फैलाने की कोशिश करता है और उसी जद्दोजहद में वह अपना पॉट तोड़ देता है, क्योंकि दोस्तों बरसात में सबसे ज़्यादा ग्रोथ अडेनियम प्लांट अपनी करता है। तो दोस्तों आज हम इसका जो पॉट रिपोर्ट करेंगे, उसके अंदर हम इसकी जो रूट्स हैं उसको ऊपर करेंगे, इसको हम पूरा बाहर नहीं निकालेंगे, सिर्फ इसकी जो रूट्स हैं ऊपर की कुछ रूट्स को हम विजिबल करेंगे। और मैं आपको इस वैरायटी का नाम बता देता हूँ, ये थाइसोको है। और पहचान तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इसके ऊपर कोई भी रोवा नहीं होता है लीफ पर। और दूसरा कि जिस सेलर से मैंने ये लिया था थाईलैंड से, तो उसने इसका नाम मुझे पैथ डिनो बताया था, और मेरे लिए तो ये थाइसोको ही है। आप चाहे इसे पैथ डिनो समझें, क्योंकि नाम किस तरह से रखा जाता है ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो चलिए अपनी कार्यविधि शुरू करते हैं और इस प्लांट को रिपोर्ट करते हैं इसके नए घर के अंदर। दोस्तों इस पॉट के अंदर हम अपने पैथ डिनो को रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये शैलो पॉट है और हम अपने मैक्सिमम जो इस साइज के प्लांट हैं शैलो पॉट में ही रखते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ उसकी रूट को ही डिप करना होता है और हमेशा अडेनियम की सिर्फ रूट को ही डिप करना चाहिए। इससे गलन की भी समस्या नहीं आती है और यदि रूट्स में कोई समस्या होती है तो वो आपको दिख भी जाती है। तो इसलिए हमेशा इस तरीके के शैलो पॉट में ही अपने अडेनियम को रिपोर्ट करने की कोशिश किया करें। दोस्तों इसके अंदर हम कोई एक्सटर्नल दूसरी सॉइल इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ हम कोको चिप्स इसके नीचे डाल रहे हैं ताकि जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बना रहे हमारा, और बाकी जो उस प्लांट के अंदर पहले से सोयल है वही काम कर जाएगी, क्योंकि वो पॉट थोड़ा गहरा है और ये इतना गहरा नहीं है, तो उसकी सोयल इसके अंदर एडजस्ट हो जाएगी और हमें इसकी सिर्फ रूट को ही डिप करना है, तो हमें ज़्यादा सोयल का इस्तेमाल नहीं करना है। दोस्तों जब प्लांट पॉट के अंदर होता है तो उसकी रूट की स्थितियाँ पता नहीं चलती हैं, तो ऐसा ही हमें लगा कि इसकी रूट्स काफ़ी मोटी हो गई होंगी, तो हमें सिर्फ और सिर्फ इसको रिपोर्ट करना चाहिए था। लेकिन जब हमने इसकी थोड़ी सी रूट हटा के देखी तो कंडीशन हमें नीचे से कुछ इस तरह से दिखी। आप देख सकते हैं कि रूट्स अभी ज़्यादा थिक हुई नहीं है और बारीक हैं, तो जो मैं पार्शली रिपोर्ट करता हूँ उस चीज़ का आपको यही ध्यान रखना है कि उसके अंदर रूट मोटी हो गई हूँ, और मैक्सिमम रूट अगर मोटी रहेंगी तो जल्दी से वो रूट नहीं होंगी। लेकिन इसकी रूट देखिए इस तरीके से है, तो हम इसको पहले पूरी तरीके से फिनिश करके इसकी रूट्स को बाहर निकाल लेंगे और जो अननेसेसरी रूट होंगी, जो बंच बना रही होंगी, उनको हम कट कर लेंगे। तो चलिए मैं इसको वॉश कर लेता हूँ, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मैं अभी इसको वॉश करके तुरंत आता हूँ। दोस्तों हमारा ये प्लांट वॉश तो हो गया है और इसकी जो रूट्स हैं लेकिन बहुत ज़्यादा घनी हैं, और अभी इसके अंदर देखिए कुछ मोटी रूट्स भी हैं और सेंटर में भी हैं, कुछ अंदर रोट भी हुआ था और ठीक भी हो गया। तो दोस्तों इनको अभी हमें एडजस्ट करने में समय लगेगा, तो इसको तो हम आज रिपोर्ट नहीं करेंगे, इसको एक दो दिन पहले ड्राई होने के लिए रखेंगे, फिर इसकी रूट का सिलेक्शन करेंगे कौन सी रूट हमें रखनी है और कौन सी रूट हमें हटानी है, उसके बाद जाके हम इसको रिपोर्ट करेंगे। दोस्तों बदलाव प्रकृति का नियम है और हमारे चैनल में भी कुछ बदलाव हुए हैं, तो उन बदलाव को मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ।
यदि आप हमारे चैनल के मेंबर बनना चाहते हैं तो आपके लिए चैनल में नीचे सब्सक्राइब बटन के बराबर में ज्वाइन का बटन भी अवेलेबल है। आप उसके ज़रिए हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हैं, जिसमें आपको आने वाले समय में जो भी हम स्पेशल सेल्स ऑफर निकालेंगे वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और दोस्तों, चैनल के मेंबर्स के साथ हम अपने अडेनियम प्लांट के सीड और अडेनियम प्लांट की सीडलिंग्स को शेयर भी किया करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ज्वाइन का बटन भी दबा लीजिए और हमारे चैनल के मेंबर बन जाइए। दोस्तों, अडेनियम से रिलेटेड हमारी जानकारी आपको कैसी लगती है हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करें। यदि आपकी कोई क्वेरी होती है या आपका कोई टॉपिक होता है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं वो वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, मैं उस पर आपके लिए वीडियो बनाकर डाल दूंगा। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।